नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। कोलकाता और हैदराबाद के बीच आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। बेंगलुरु में रात 8 बजे से मैच। नॉकआउट मुकाबले में हैदराबाद और कोलकाता के लिए करो या मरो का मैच। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से होगी बाहर। दूसरे क्वालिफायर में पहुंचेगी कोलकाता और हैदराबाद में से जीतने वाली टीम। 19 मई को मुंबई में होगा मुकाबला। आईपीएल के सीजन में बराबरी पर ही रहे हैं कोलकाता और हैदराबाद की टीम। दो मुकाबलों में दोनों ने एक एक मैच जीता। कोलकाता और हैदराबाद के बीच बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला। कोलकाता की बैटिंग, हैदराबाद की बॉलिंग के बीच टक्कर। कोलकाता टीम में कप्तान गंभीर, उथप्पा और मनीष पांडे पर निगाहें। टीम में क्रिस लिन और यूसुफ पठान जैसे धाकड़ बल्लेबाज भी शामिल। कोलकाता के लिए मैच का रुख बदल सकते हैं सुनील नारायण। बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी दिखा रहे हैं दम। हैदराबाद के पास भुवनेश्वर, राशिद खान और सिद्धार्थ कौल जैसे बेहतरीन गेंदबाज। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट के साथ टॉप पर है भुवनेश्वर। हैदराबाद के पास कप्तान डेविड वार्नर और शिखर धवन जैसे शानदार बल्लेबाज। मिडिल ऑर्डर में युवराज निभा सकते हैं अहम रोल। आईपीएल के फाइनल में पहुंचे पुणे की टीम। मुंबई को हराकर फाइनल में जगह बनाई। 21 मई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचे पुणे की टीम। कप्तान स्टीव स्मिथ ने निभाई जिम्मेदारी। पुणे की जीत में धोनी का कमाल। जीत को बताया बेमिसाल। फैंस बोले महेंद्र सिंह बाहुबली। मुंबई की टीम का कोलकाता या हैदराबाद से मुकाबला। एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से होगी भिड़ंत। आज होगा तय। हार के बावजूद मुंबई की टीम को एक और मौका। दूसरे क्वालिफायर में खेलेगी मुंबई की टीम। 19 मई को खेला जाएगा दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। विजेता टीम को मिलेगा फाइनल खेलने का मौका। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने हार के लिए बैटिंग को बताया जिम्मेदार। कहा पुणे के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सबसे खराब बैटिंग रही। मुंबई के विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने बॉलर्स का किया बचाव। कहा आखिरी दो ओवर्स में खराब गेंदबाजी की वजह से नहीं हारी टीम। पुणे के बल्लेबाज मनोज तिवारी ने धोनी को दिया जीत का श्रेय। कहा धोनी की आतिशी पारी ने आखिरी दो ओवर में मैच पलटा। आईपीएल में सट्टेबाजी का काला साया। कानपुर में सट्टेबाज के साथ दिखाई दिया दिल्ली की टीम का मैनेजर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें।